ये पहला क्वेश्चन है कि अगले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसको कैंडिडेट के रूप देखिए, में हमारा आपको चाहिए? लोकतंत्र है और यहाँ विधायक जब चुने जाएंगे उनकी राय से मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि थोपा नहीं जाएगा। और हम लोग कंफर्टेबल इसी में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं। जैसे और पार्टियों में तो एक ही एक चेहरा है, तो वो प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल पारिवारिक मामला है। हमारे लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ तो सबसे राय मशवरा होगा, सब होगा, तभी मुख्यमंत्री तय होगा। तो कई चेहरे हैं, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी क्यों हो, जब विधायक जिसको चुन लेंगे वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। और सभी सक्षम हैं, जितने चेहरे आप देख रहे हैं वो सारे सक्षम हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं जी, तो उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कहा जाए तो एक देश है, तो देखिए देश में चेहरा क्यों नहीं देना देखिए, चाहते आप? नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं वो एक ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हम अभी कह सकते हैं कि उनका शायद मुकाबला अभी फिलहाल तो पूरे देश में क्या, बल्कि विदेशों में भी लोग इस बात को कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद किसी देश को, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, किसी देश में नहीं है। तो उनसे तुलना किसी की भी करना अभी तो हम नहीं समझते कि ये हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए, मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, किसी के लिए भी संभव है। उनका तो एक व्यक्तित्व ऐसा है, और वो व्यक्तित्व क्यों बना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि वो संत पुरुष है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं किया, इससे बड़ा और त्याग क्या होगा। आज छोटा सा पोस्ट लेके भी आप और पार्टियों में देख लीजिए, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मेयर, सब उन्हीं की पार्टी के लोग, बहू बेटा, पोता पोती सारे। तो आप चाहते हैं अगर देश ऐसा चले, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे हिसाब से लोकतंत्र तो ऐसे ही है जैसे हमारी पार्टी में। अखिलेश यादव के बारे में भी कहा जाता है, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के तरफ से जी, अगर कहा जाए, आप नोएडा के विधायक है, इसमें से मैं जी सवाल आपसे कर रहा हूँ। जी जी नोएडा के विधायक है, तो अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव के प्रति लोगों में जी, युवाओं में कम से कम एक प्रेम है, लेकिन उनके परिवार में जो ऐसा है, चार चार पांच पांच मुख्यमंत्री जैसा आप लोग आरोप लगाते हैं, जी जी आरोप नहीं सच है जी, तो क्या अखिलेश यादव को लोग वोट नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले? नहीं, अखिलेश यादव को उनकी पार्टी से तो हम नहीं कह सकते, जरूर करेंगे, लेकिन आम जनता नहीं करने वाली है। आम जनता सिर्फ एक ईमानदार, कर्मठ और स्वच्छ सरकार देने वाली पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, ये मैं आज आपके माध्यम से कह रही हूँ इस बात को। अब की सरकार बीजेपी बनने वाली, क्योंकि बारी बारी से मायावती ने, बसपा और सपा ने हमारे प्रदेश को लूटा और लूट कर जेबें भर दी। हमारा, हम नोएडा की बात कर रहे हैं, नोएडा को भी खाली कर गए, कहाँ 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 कितनी प्रॉपर्टीज, कितना, आप सब, आपको मालूम है, हमसे क्यों कहला रहे हैं कि सपा सरकार में तो जितने परिवार के लोग हैं सारे हैं, और देखिए जो परिवार के लोग नहीं, नहीं बन पाए। पांच सांसद मुलायम सिंह जी की पार्टी के, तो कांग्रेस के जो परिवार के थे, परिवारवाद को हमारे खत्म किया गया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को खत्म किया, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट नोएडा से मिल रहा था, आप सबने देखा जी, और उनको नहीं मिला, और हमें, हमारा नाम प्रपोज हमारे गृह मंत्री ने किया, इस बात की मैं और जानकारी आता। हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे स्टूडेंटों के लिए अभी कुछ नया क्या कुछ करने वाली है, कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं देखिए, अभी तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी देखिए आप जो ₹12 वाला एक्सीडेंटल बीमा, ₹360 वाला हेल्थ बीमा और अटल पेंशन योजना, वो तो खैर बड़े लोगों के लिए है, और बहुत कुछ। अच्छा अब देखिए, अभी लोन की सुविधा कितनी हो गई है, आप एजुकेशनल लोन बिल्कुल नॉमिनल रेट पे ले सकते हैं, और बड़ी आसानी से मिलता है, जो पहले मुश्किल से मिलता था स्टूडेंट के लिए, इससे बड़ी चीज़ होती है। पढ़ाई के लिए कुछ भी, माता पिता की आप पैसे मत लगाइए, आप माता पिता को परेशान मत करिए, अगर उनके पास पैसे नहीं, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं उससे बहुत नॉमिनल रेट पर। अच्छा सबसे बड़ी युवाओं के लिए कि जो इन्होंने अभी मुद्रा बैंक की स्थापना की, युवाओं के लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं, मुद्रा बैंक बहुत बड़ी चीज़ है। आप नई नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस में आइए, 50,000 से लेकर और 10 लाख तक का लोन, 50,000 से 5 लाख तक जो आप छोटे से काम के ले सकते हैं, और बिना गारंटी, 50,000 तक तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, ये सेंट कोई भी ले सकता है। जो 5 लाख तक का लोन है उसमें सिर्फ आपको जो आप व्हीकल खरीदे सिर्फ उसको आपको रखना है, बैंक के पास देना, कुछ नहीं करना, आप किसी खुशामद मत करिए कि मेरी जाके सिक्योरिटी दे दो, तो ये बहुत, मतलब बहुत चीज़ें हैं।